तो अगर फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देख लेते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग डेली बेसिस पे बहुत से एप्स को इंस्टॉल करते रहते हैं और उनको फिर यूज करने के बाद अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, लेकिन उस जगह पर क्या आप लोगों को फ्रेंड्स पता है कि उन एप्स ने आपकी जान छोड़ दी है? कि क्या वो आपका डेटा कहीं लीक तो नहीं कर रहे? और क्या अगर आपने उन एप्स को अनइंस्टॉल कर दिया है तो क्या वो आपके डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है या नहीं? जी हाँ फ्रेंड्स, इन सब सवालों का जवाब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो एप्स आपके डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, चाहे आपने जितना टाइम मर्जी पहले भी कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने यूज करने के बाद उसे अनइंस्टॉल को कर दिया है। आपने चाहे फ्रेंड्स कितना अरसा पहले कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है और उसको यूज करने के बाद आपने उसे अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो आज भी आपकी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँ आने वाला हूं कि कुछ एप्स जो है आपकी डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहते हैं और वो आपका डेटा लीक करते रहते हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का लास्ट भी देखते रहेगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक का देखते रहेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की एक सेटिंग में आपको बताने वाला हूं। सिंपली आपने जाना है सेटिंग में। तो सेटिंग में फ्रेंड्स ये ऑप्शन सबके पास होती है, सेटिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो आपने जाना है सिंपली गूगल में। तो गूगल में जाने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्टेड एप्स की ऑप्शन, तो आपने सिंपली उस पे क्लिक कर देना। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जो एप्स आपने बहुत अरसा पहले भी यूज किए हुए हैं तो फ्रेंड्स वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, जबकि आपने उन एप्स को यूज करके अनइंस्टॉल भी कर दिया हुआ है, लेकिन वो आपकी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है अभी भी और वो आपका कोई भी डेटा लीक कर भी सकते हैं। और जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्स मैंने यूज करके डिलीट कर दिए हुए काफी पहले, क्योंकि जब भी हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर हम काफी परमिशन उन्हें दे देते हैं बिना जाने बिना समझे कि किस चीज की वो परमिशन मांग रहा है। और वहाँ पर उसे यूज करने के बाद जब हम उसे अनइंस्टॉल करते हैं तो वो जितनी परमिशन हमने उस ऐप को दी होती है वो उसी तरह बैकग्राउंड पर कनेक्टेड रहता है। जिस तरह की ये ऐप आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है कनेक्टेड है। इसको उस टाइम पर इंस्टॉल करते मैंने ईमेल एड्रेस भी दे दिया था, ये देखें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीजें उसके पास है, ऊपर लिखा हुआ दिस ऐप कैन एक्सेस, तो ये अभी तक कनेक्टेड है। इसी तरह मैं बैक करके वापस आकर आपको कोई भी ऐप दिखा देता हूँ। ये सब एप्स इस टाइम मेरे मोबाइल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कनेक्टेड है मेरी डिवाइस के साथ। तो ये हमारा पर्सनली कोई भी मोबाइल का डेटा जो है वो लीक कर सकते हैं, जो कि उनको अभी मैंने सारी परमिशन दी हुई है, अभी तक एक्सेस है। तो आपने सिंपली करना क्या, यहाँ पर आपने उसे डिस्कनेक्ट कर देना। यहाँ पर मैं डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप, तो आप उस पे दोबारा से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऐप जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो है उस ऐप के साथ डिस्कनेक्ट हो गए, हमारा आप कोई भी लिंक उस ऐप के साथ नहीं रहा। इसी तरह नीचे आप आकर देख सकते हैं, ये भी देखें कोई ऐप है कोई गेम है, बहुत अरसा पहले मैंने यूज की मुझे खुद नहीं पता, इसको कोई भी मैंने परमिशन दे दी थी इंस्टॉल करते वक्त, इसे भी आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। चले मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये भी हो गया। तो आपने यहाँ पर सब एप्स को जो है डिस्कनेक्ट कर देना है जिनको आप यूज नहीं कर रहे। और काफी हमने अपने मोबाइल में हैकिंग और स्पैमिंग एप्स जो इंस्टॉल किए होते हैं उनको तो लाजमी जब आप अनइंस्टॉल करते हैं उसके बाद यहाँ पर आकर उसको लाजमी डिस्कनेक्ट कर दें। सिर्फ इसको आपने छोड़ देना है, एंड्रॉइड डिवाइस को इसको छोड़ दें, बाकी आप सारे कर दें जिनको आप यूज नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, और शेयर कर दें इसको अपने एंड्रॉइड फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें।